नमस्कार हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है आपके साथ मैं हूँ मोहिता कोठियाल मरादुनी दर्शकों जैसे कि आप जानते हैं कि हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में हम उन विषयों को सम्मिलित करते हैं जो आपके स्वास्थ्य से जुड़े हों इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आपको बेहतर स्वास्थ्य का तोहफ़ा दे सकें आज की भागदौड़ भरी जिंदगी हमारे पास खुद के लिए वक्त ही नहीं है ना हम समय से खाते हैं और ना ही आराम करते हैं यही वजह है कि कई तरह की बीमारियाँ हमें घेर लेती हैं बेशक इन बीमारियों का पता अगर पहले हमें चल जाए तो हम इनसे सावधानी बरत लें लेकिन अक्सर हमारी देरी की वजह से ये बीमारियां हमें जकड़ लेती हैं ऐसे में अगर हमें समय से इलाज मिल जाए तो स्थितियां संभल सकती हैं लेकिन कभी कभी बहुत देर हो जाती है एक ऐसी ही बीमारी के विषय में आज हम बातचीत करेंगे डेंगू हमारा आज का विषय है डेंगू लक्षण व सावधानी अगर हम भारत की बात करें तो इस वक्त डेंगू का कहर भारत में बहुत ज़्यादा है अगर हम बात करें इस वक्त उत्तराखंड की और देहरादून की तो लगभग साढ़े छः सौ से ज़्यादा मरीज़ इस वक्त देहरादून में हैं डेंगू लगातार अपने पैर पसार रहा है लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो तैयारियां हैं वो कमज़ोर पड़ रही हैं तो दर्शकों इसी विषय में बातचीत करेंगे कि डेंगू से कैसे आप बच सकते हैं तो इस विषय में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर संतोष और एम्स ऋषिकेश सर बहुत बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद धन्यवाद दर्शकों कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि यह एक सजीव प्रसारण है अगर आप इस दिशा में कोई भी प्रश्न करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इसके लिए आप हमारे स्टूडियोज़ के नंबर नोट कर लीजिए हमारे नंबर हैं दो छः 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 तीन तीन पाँच दो छः छः पाँच चार सात आठ अगर आप हमें देहरादून के बाहर से कॉल कर रहे हैं तो आप हमारा एस कोड जरूर लगाइए जो है ज़ीरो एक तीन पाँच दर्शकों जब भी आप हमें कॉल करें तो कृपया नेटवर्क क्षेत्र में आकर ही कॉल करें क्योंकि अक्सर आप हमें कॉल करते हैं नेटवर्क क्षेत्र में ना रहने की वजह से हम आपका प्रश्न समझ नहीं पाते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप हमें कॉल करें नेटवर्क क्षेत्र में आ करें और जब आप प्रश्न करें तो अपने टीवी की वॉल्यूम कम कर दीजिए ताकि हम आपके प्रश्न को समझ सकें और अपने एक्सपर्ट से उसका सही जवाब ले सकें तो चलिए दर्शकों कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर करते हैं सर हम यहाँ पर डेंगू की बात कर रहे हैं और इस वक्त डेंगू एक भयानक बीमारी बन गया है सबसे पहले यही प्रश्न क्या वजह है कि इस वक्त डेंगू इतना भयानक रूप ले लिया है सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार जैसे कि आपने कहा डेंगू इस समय एक भयानक रूप ले चुका है और आपने देहरादून और उत्तराखंड की पूरी डेटा भी हमें बताए हैं डेंगू जिससे होता है, जिस है जी। एक तो अर्बनाइजेशन जितनी भी भीड़ भाड़ वाली जगह है जहाँ पर आ, बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पर कि पानी इकट्ठा हो सकता है या फिर साफ सफाई नहीं है और डेंगू का मच्छर हमेशा साफ पानी में आपको मिलेगा जी अभी बरसात का मौसम है तो बरसात के मौसम में जब भी बरसात का मौसम होता है पानी किसी भी गड्ढे पे इकट्ठा हो सकता है जी। इसके अलावा जो हमारे घरों में कूलर हैं कूलर्स में जो पानी इकट्ठा हो सकता है टायर्स हैं कोई भी कंटेनर्स हैं इनमें जो पानी इकट्ठा होता है चाहे वो बरसात का हो चाहे वो हम अपनी लापरवाही से घरों में पानी को ऐसे ही खुला रख लेते हैं जी। इसकी वजह से यहाँ पर मच्छर का लार्वा प्रोड्यूस होता है यहाँ पर मच्छर का लार्वा बनता है और इसी के साथ ये मच्छर की जो प्रोजनिंग होती है मच्छर की जो यहाँ से ही जन्म होना शुरू होता है और यही मच्छर धीरे 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 डेंगू नामक इस संक्रमण को फैलाते रहता है जी सर से, सर यहाँ पे ये जानना भी आवश्यक हो जाता क्या है क्या सिर्फ जो डेंगू है इस मच्छर की वजह से ही हो रहा है जी ये डेंगू का मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा इस चीज़ के बारे में डेंगू एक सब सर्वप्रथम ये जानना अति आवश्यक है कि डेंगू एक वायरल फीवर है आप लोग जानते होंगे जैसे भी वायरस वायरल फ़ीवर होता है वायरल फीवर में हमें जुकाम होता है बहुत ज़्यादा बुखार आता है दर्द होता है सभी आप लोग परिचित हैं भली भांति कि वायरल फ़ीवर क्या होता है डेंगू क्यों अलग से हो जाता है क्योंकि इस डेंगू वायरस का संक्रमण इसका एक वाहक है मच्छर जिस मच्छर का नाम है एडीज एगिप्टई और यह मच्छर इस डेंगू का संक्रमण करता है एक से लेकर दूसरे तक तो ये जो मच्छर है डेंगू का ये वायरस को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलाने में मदद करता है और डेंगू की उत्पत्ति कहाँ से होती है यह मैंने अभी बताया कि अगर कहीं पर साफ पानी इकट्ठा हो अच्छा एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये डेंगू का जो मच्छर होता है ये रात में नहीं काटता ये दिन में काटता है यह डे फीडर होता है और ये बहुत भूखा होता है इतना भूखा होता है कि एक व्यक्ति को काटने से इसका पेट नहीं भरता तो जब भी डेंगू का मच्छर अगर उसके अंदर डेंगू वो किसी डेंगू संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो वो एक बार में एक व्यक्ति को नहीं बल्कि कई व्यक्तियों को काटकर अपनी पूरी साइकिल को पूरा करता है तो इसलिए डेंगू का जो वायरस है ये मच्छर के साथ मॉस्किटो के साथ जिसका मैंने नाम बताया एडिज अगिप्टाई जो कि दिन के टाइम में ज़्यादा मिलता है इससे इसका डायरेक्ट संबंध है मच्छर के अलावा कोई भी ऐसा नहीं है अभी तक वाहक जो कि हमारे डेटा में है या इसकी कोई पुष्ट नहीं है कि मच्छर के अलावा और भी कोई चीज़ है जिससे कि डेंगू फैलता है जी बिल्कुल डॉक्टर साहब ने ये तो बता दें कि मच्छर की वजह से डेंगू हो रहा है अब ये जानना आवश्यक है कि इसके लक्षण क्या है प्रारंभिक लक्षण जिसे आपने बताया कि फीवर अक्सर वायरल फीवर हो जाता है तो हम कैसे ये पता लगाएं कि जो प्रारंभिक लक्षण हैं ये डेंगू के हैं ये हमारे दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है क्योंकि अभी डेंगू का समय चल रहा है जी। और काफ़ी लोग एक पेनिक स्टेज हम जिसे बोलते हैं बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं डेंगू का नाम सुन के मुख्यतः जो नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज जो नेशनल प्रोग्राम है जो कि डब्ल्यू ने भी डब्ल्यू से इसको एडॉप्ट किया गया है एक गाइडलाइंस है जो कि 2015 में रिलीज हुई है हम सभी उसी गाइडलाइंस को फॉलो हैं हेलो 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 uh, डॉक्टर साहब संपर्क टूट गया है हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि प्रारंभिक लक्षण जी तो मैं गाइडलाइंस की बात कर रहा था जो कि नेशनल डिजीज ने बनाई है इसके तहत हेलो uh, जी हेलो हाँ नमस्ते मैडम नमस्कार सर जी नमस्कार नाम बताइए अपना कहाँ से बोल रहे हैं आप है, मेरा नाम है नंद मिश्रा मैं बाराबंकी गाँव बसों बोल रहा हूँ मैं जानना चाहते है कि हमको अपने घर में ऐसी कौन सी तैयारी रखनी चाहिए जिससे डेंगू के मच्छर पनपने पाए दूसरी चीज अगर किसी तो को डेंगू हो गया है तो उसके साथ हम पैसा व्यवहार करें जिससे वो डेंगू आगे न फैलने पाए जी धन्यवाद नंद स्वरूप जी नमस्कार बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा आपने पूछा कि हम घर में क्या सावधानियां ऐसे बरतें जिससे कि डेंगू ना हो अभी हमने बातचीत की कि अपने घर के आसपास साफ़ सफाई रखें कोई भी पानी जमा ना होने दें एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे गर्मी होती है तो कूलर हम लगाते हैं उसके बाद जैसे ही ठंडा आता है तो उसके बाद हम कूलर नहीं चलाते हैं बंद कर देते हैं और लेकिन उसका पानी उसी में रह जाता है अभी हम भी अपने कम्युनिटी में देखते हैं लोग रोज सर्वे करते हैं तो देखते हैं कि जो कूलर के अंदर का जो पानी है उसी में मच्छर के लार्वा सबसे ज्यादा मिलते हैं वैसे भी घर के अंदर जो भी घर के आसपास या छत पे या कहीं पर भी जैसे गमले हैं गमले में किसी कंटेनर में किसी छोटी सी जगह पर पानी रुक सकता है तो वो उस पानी में भी मच्छर पैदा हो सकता है आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात बताऊं एक चम्मच का भी अगर पानी कहीं पर रुका हुआ तो वो भी काफी है मच्छर को पैदा होने के लिए अच्छा दूसरा प्रश्न एक तो इन इन चीज़ों से आप लोग सावधानी बरतें कूलर का पानी साफ करें आस पड़ोस जहां पे भी कोई अगर कंटेनर है टायर है छोटा मोटा कहीं पे भी गमले में अगर पानी कहीं पर रुका हुआ है उसको साफ करें और दूसरा आपने कहा कि हम कैसे डेंगू के मरीज के साथ बर्ताव करें देखिए डेंगू की बीमारी कोई ऐसी छूत की बीमारी नहीं है अगर किसी व्यक्ति को डेंगू हो जाता है तो एक तो घबराएं नहीं दूसरा अगर उस व्यक्ति को डेंगू हो तो वो उससे कहें कि वो खूब पानी पिए और जब हल्का बुखार प्रारंभ में जब शुरू होता है तो पैरासीटामॉल ले सकता है दूसरा उसके साथ क्या कहना है कि मच्छर उस व्यक्ति को काट के दूसरे को भी डेंगू का संक्रमण करवा सकता है तो इसलिए यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति या तो मॉस्किटो रेपलेंट्स लगाए या फिर वो मच्छरदानी ओढ़ के सोए जिससे कि उस व्यक्ति से किसी दूसरे को डेंगू ना हो पाए जी बिल्कुल डॉक्टर साहब ये तो दर्शक के प्रश्न का जवाब ने बहुत बेहतर जवाब पे दे दिया लेकिन एक दर्शक और जुड़े हैं इनसे प्रश्न रहता है जी नमस्कार जी नमस्कार नाम बताइए अपना कहाँ से बोल रहे हैं आप हाँ जी मैं तेजपाल नीलकंज और उत्तराखंड से बोल रहा हूँ सर पर नाम जी प्रश्न करिए अपना नमस्ते हाँ जी डॉक्टर मैं ये कहना चाह रहा चाहूँ की पहाड़ के क्षेत्र की बात करता हूँ मैं जहाँ पहाड़ में हम रहते हैं वहाँ की समस्या आपके आगे रखता हूँ यहाँ पे पानी जो है एक जगह इकट्ठा किया जाता है स्रोत का पानी टैंक में और पूरे गांव में उसकी सप्लाई होती है का उसकी सफाई नहीं हो पाती है क्योंकि सामूहिक गाँव का पानी होता है सफाई कौन करेगा ऐसी स्थिति में हम शुद्ध पानी कैसे पिए सर जी तेजपाल सी नमस्कार अच्छा प्रश्न किया आपने की पानी की सप्लाई अच्छी तरह नहीं हो पाती है पहले तो मैं आपको एक जरा सा अच्छी खबर बताऊंगा कि पहाड़ के क्षेत्र में ये जो डेंगू का जो मॉस्किटो है ये इसकी एक लिमिटेशन होती है ये बहुत जहाँ ठंडा इलाका है या एक हाई अल्टीट्यूड में ये मच्छर कम पनपता है दूसरा हमने जगह जगह पर हम म्यूनिसपाली से भी जो लोग हैं उनसे भी हम प्रार्थना करना चाहेंगे कि एक रेगुलर सप्लाई अगर वाटर की होगी तो बेहतर होगा अगर रेगुलर सप्लाई वाटर की होगी तो लोग इसको आ, क्या बोलते हैं इकट्ठा नहीं कर पाएंगे पानी को एक जगहों पर और खुला हुआ पानी नहीं रह पाएगा घर में और एक निश्चित समय भी अगर पानी का होता है तो वो अन इंटरप्टेड रहे वो रुके नहीं लगातार सप्लाई हो तो आप अपना ख्याल रख सकते हैं और कोशिश कीजिए कि अगर पानी जो भी आपके पास आता है उसको ढक के पिए और उसको साफ़ करने के हमारे पास बहुत उपाय हैं और आप कर सकते हैं यहाँ पर डॉक्टर साहब मैं ये कहना चाहूंगी आपसे कि यहाँ जागरूक हमें खुद ही होना होगा क्योंकि अगर वाटर टैंक से पानी की सप्लाई यहाँ पर हो रही है तो यहाँ पे जागरूक हमें खुद होना होगा होगा हमें ये कहना हो कि आप समय समय पर इसकी सफाई करते रहे ताकि इस तरह की जी। कोई जी। भी लाइलाज बीमारी आपको ना हो डॉक्टर साहब बात कर लेते हैं हमने लक्षण की बात लक्षण की बात की थी मैडम हमने उसमें जो हम बात कर रहे थे कि डेंगू की जो इसको जो क्लासीफाइड किया गया है तीन भागों में अगर हम डेंगू की बात करें एक तो माइल्ड दूसरा मॉडरेट एंड तीसरा सीवियर जो माइल्ड जिसमें हम कहते हैं कि बहुत हल्का उसमें मैंने पहले ही बताया कि एक, एक वायरल फीवर की तरह आता है माइल्ड जो डेंगू है इसमें बुखार आना सर दर्द होना तेज बुखार आ सकता है आपको सर दर्द होगा बहुत तेज और आँखों के में अगर आप आंखों को ऐसे घुमाएंगे तो आंखों के पीछे दर्द हो सकता है आपको जी. और पूरे शरीर में माइलजिया जिसे हम बोलते हैं थकान होना आपके जोड़ों में दर्द होना और यही वायरल फीवर में भी होता है तो इसमें घबराएं नहीं लास्ट में क्या हो सकता है कि चार या पाँच दिन तक ये बुखार आपको रहेगा इस दौरान आपको चाहिए कि आप एक तो बहुत ज़्यादा पानी पिएँ ओ आर एस का घोल लें और दूसरा इसमें आप पैरासीटामोल ले सकते हैं कोई भी अन्य दवाइयाँ न लें पैरासिटामोल लें और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जब भी कोई वायरल फ़ीवर हो कोई वायरल फ़ीवर आजकल डेंगू हो सकता है आप घबराइए नहीं आपको क्या करना है आप रेस्ट कीजिए अब रेस्ट हम एक मेडिकल वर्ड बोलते हैं कि आपको पूर्णतया आराम चाहिए खूब पानी पिए और पैरासिटामोल खा सकते हैं तीन या चार दिन के बाद आपके शरीर में हल्का हल्का चकत्ते पड़ सकते हैं बहुत छोटे से रैसेस जिसे हम बोलते हैं उनसे भी आप ना घबराएं दूसरे टाइप का डेंगू आता है जिसमें हमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है वो दूसरे टाइप का डेंगू में ये लक्षण तो होते ही हैं इसके अलावा कुछ लोग जिनको बहुत ज्यादा उल्टी हो रही है या उल्टी के साथ किसी को बहुत चक्कर आ रहा है उसके साथ कुछ लोग अगर इसमें मोटापा है उनको बहुत ज्यादा या फिर उनको हाइपरटेंशन है या ब्लड प्रेशर है और डायबिटीज़ uh, की समस्या है और uh, दर्शकों को बताना चाहूँगा कि प्रेग्नेंट लेडीज जो भी हैं इन लोगों को अगर इस टाइप की समस्या होती है तो ये हमारे लिए इसको मॉडरेट डेंगू इसलिए कह रहे हैं कि थोड़ा कम से ज़रा सा ज़्यादा है ये इसलिए क्योंकि इन लक्षणों पर हमें ध्यान देना है इस प्रकार के जितने भी लोगों का मैंने नाम लिया है इनमें डेंगू की स्थिति ज़रा सा ख़राब हो सकती है तो ये समय पर चिकित्सक से सलाह ले लें तीसरा जो हम बात कर रहे हैं वो सीवियर डेंगू है इसमें क्या है कि बुखार आना तेज सर दर्द होना हाथ पैरों में जोड़ में दर्द होना इसके साथ साथ आपके शरीर में पेटिकियस बोलते हैं हम उनको ब्लीडिंग कहीं पर अगर होती है जैसे नाक से ब्लड का आना या वोमिटिंग के साथ होना या फिर ब्लैक स्टूल का होना इसका मतलब अपर जिया में कहीं पर ब्लीडिंग है और आ, आ, आपको बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है जी डॉक्टर साहब माफ कीजिएगा इधर से जुड़े इसे कॉल ले लेते हैं हेलो 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 हां हेलो हेलो मैम जी नमस्कार नाम बताइए अपना कहाँ से बोल रहे हैं मेरा नाम अनुज है जी मैं दक्षिण से बोल रहा हूँ उत्तर प्रदेश जी, जी प्रश्न करिए अपना

आ, आपने ये हमारे काफ़ी दर्शकों के प्रश्नों के प्रश्न हो सकता है जो जो आपने पूछा है जैसे मैंने अभी बताया माइल्ड डेंगू जो होता है उसमें सर का ते, सर में तेज दर्द होना बुखार का होना बुखार आपका कम से कम 102 से 104 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी बुखार आ सकता है घबराएं नहीं आप स्पॉन्जिंग कर सकते हैं जैसे कोल्ड स्पॉन्जिंग एक छोटा सा गीला कपड़ा लेके अपने माथे में और अपने शरीर में कर सकते हैं उसको उससे स्पॉन्जिंग कर सकते हैं आप पैरासीटामोल की डोज ले सकते हैं 500 मिलीग्राम या 650 मिलीग्राम में पैरासीटामॉल छः घंटे के अंतराल में ले सकते हैं इसमें आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है हर एक वायरल फीवर में जोड़ों में दर्द शरीर में बहुत ज़्यादा तेज सर दर्द ये होता ही होता है आपको चिंता तब करनी है अगर आपके शरीर में कहीं से ब्लीडिंग हो रही है अगर आपके बॉडी में बदन में कहीं पर चकत्ते पड़ रहे हैं बहुत बड़े बड़े चकत्ते अगर पड़ रहे हैं ब्लड के चकत्ते पड़ रहे हैं और अगर आपका ब्लीडिंग हो रही है नाक से कभी खून निकल रहा है या उल्टियाँ में उल्टियाँ कंट्रोल नहीं हो रही है दूसरा अगर आपका पेट में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है कभी कभी क्या होता है कि लीवर की लीवर बढ़ जाता है इसमें इसमें और पेट में बहुत ज़्यादा टेंडरनेस ऐसी होती है कि हाथ लगाने पर आपको लगता है कि पेट बहुत ज़्यादा दुख रहा है इस जब ये सब चीजें होती हैं तभी आप जो है चिकित्सक के पास जा सकते हैं और उनसे सलाह ले सकते हैं अन्यथा अगर आप ऐसे ठीक हैं तो खूब पानी पीजिए जिसमें कि ओ का पानी आपको ज़्यादा पीना है एक लीटर पानी में ओ आर घोलिए और पी जाइए ठीक तो डॉक्टर की बात नहीं है इसमें डॉक्टर साहब कहीं ना कहीं जब हमें कोई भी बीमारी होती है उसके लक्षण हमें लगता है कि कुछ हो रहा है तो हम घरेलू उपचार करने लगते हैं यहाँ भी ऐसे कुछ डेंगू में हम देख रहे हैं कि कुछ तेल लगा के आप बच सकते हैं तो उसके बारे में भी थोड़ा बताइए डेंगू का जैसे मैंने बताया आपको इसकी जड़ कहाँ से है मैं एक चीज़ अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि डेंगू एक बीमारी नहीं एक समस्या है और वो समस्या आप और हम लोगों ने ही क्रिएट की हुई या आप और हम हम लोगों के ही द्वारा जनित होती है डेंगू का घरेलू इलाज अगर हम करें तो मैंने सबसे पहले जो आपको करना है कि जैसे ही बुखार आए चाहे वो वायरल हो चाहे वो डेंगू हो आपको भरपूर मात्रा में पानी पीना है और दूसरा रेस्ट करना है आपको कहीं नहीं जाना है उस बीच में और तीसरा आपको बुखार अगर ज़्यादा है तो घबराएं नहीं लें इसके अलावा जैसे कि आपने कहा कि कोई तेल या हाँ, कुछ इसका इसका अभी तक हमारे एलोपैथ में कोई मेडिकल इविडेंस ऐसा नहीं है कि कुछ तेलों का हम लेपन करके उससे कर सकते हैं हाँ यह अवश्य है कि डेंगू से बचने के लिए बहुत सारे रेपेलेंट्स हमारे पास आते हैं जो कि मार्केट में हैं वो जैसे एन एन बेंजामाइट टाइप के इंसेक्टिसाइड्स रेपेलेंट्स आ रहे हैं वो आप लगा सकते जैसे हैं नॉर्मली हम लोग तो ओडोमोस ही यूज कर रहे हैं कर सकते हैं मैं किसी कंपनी को तो यहाँ पर नहीं बात कर सकता बट जो भी इंसेक्टिसाइड है उसमें आप देखिएगा उसमें लिखा हुआ है ये कुछ हद तक रेपलेंट्स जो है मच्छरों को दूर भगा सकते हैं मच्छर आपको नहीं काटेगा कुछ हद तक कुछ हद तक भी हम बात करें और यूजली हमें सब कुछ मॉस्किटो नेट अगर हम रात में क्योंकि हम दिन में मॉस्किटो नेट नहीं ले जा सकते भिल्कुल, तो, भिल्कुल, तो ये अगर हम लगाएं और एक बहुत बात आपने अच्छा याद दिलाया मुझे जो महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है वो तो पूर्ण वस्त्र पहनने हैं क्योंकि मच्छर आपका जब भी काटेगा वो एक्सपोज एरिया में काटेगा जो चीज़ें आपकी खुली हुई हैं तो इस छोटे से एक्सपोज एरिया में जो भाग आपका खुला हुआ शरीर का उसमें हम ये रेपेलेंट्स लगा लेते हैं तो काफ़ी हद तक बचा जा सकता है डॉक्टर साहब यहाँ ये जाना आवश्यक हो जाता है कि आजकल बहुत सारी वैक्सीन्स आ गई हैं क्या हमारे पास अभी डेंगू के लिए कोई वैक्सीन है एक वैक्सीन अभी 2015 में इंडिया में ही खोजी गई है डेंगू वैक्सिया करके नाम है उसका उसका हम दूसरा जब नाम लेते हैं तो सी वाई डी वैक्सीन्स है लेकिन अभी बहुतायात में उसको हम प्रयोग में नहीं ला रहे हैं और जैसे कि मैंने बताया कि वैक्सीन है और वैक्सीन अगर हम ये दिया भी जाता है तो वैक्सीन ऐसी जगहों में जा दिया जाता है जहाँ पर डेंगू बहुत ज़्यादा इंडिमिक है जहाँ पर हमारे पास साफ सफाई और जो उसका सोर्स है जहाँ से जो मैंने बताया कि पानी का इकट्ठा होना और बहुत ज़्यादा अगर साफ सफाई नहीं है ऐसी जगहों पर इस पर हमारा कंट्रोल जब बिल्कुल ही खत्म हो चुका हो हम कुछ नहीं कर पा रहे हो तभी हम डेंगू के वैक्सीन की बात कर सकते हैं अन्यथा मैं तो यही सलाह दूंगा कि डेंगू एक ऐसी समस्या है जो कि आप और हम मिलकर दूर कर सकते हैं तो अपने आसपास सफाई रखिए और सफाई लोग सब वे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं का प्रश्न ले लेते हैं हेलो हां जी नमस्कार जी नमस्कार नाम बताइए अपना कहां से बोल रहे हैं आप जी मैं विशाल सिंह पावर कोलींगाबाद से बोल रहा हूं जी प्रश्न करिए अपना आज एक मुझे लगा जानकारी भी देने सारा है सर इस वक्त जो कार्यक्रम है हमारा डेंगू से संबंधित ही है तो क्या आपको प्रश्न डेंगू से संबंधित आप कर सकते हैं हाँ जी हाँ जी इसके अलावा और कुछ नहीं जैसे तो थोड़ी सी एलर्जी होना चाहिए ना? आ सर ये जो हमारा कार्यक्रम है डेंगू से संबंधित है तो इसीलिए इसी से प्रश्न करिए जी धन्यवाद ये कुछ अन्य पूछना चाह रहे थे डॉक्टर साहब हमने यहाँ पे वैक्सीन की बात कर ली है कि अभी आपको लगता है कि हमें सफाई की तरफ ही ध्यान दें लेकिन अगर हम डेंगू की यहाँ पे बात करें तो कोई हेमरेजिक फीवर भी एक टर्म जुड़ता है क्या है ये जी अभी जो हमें बता रहा था कि जैसे तीन टाइप के मैंने डेंगू को क्लासीफाई किया और दो सेकेंड में जो हमने किया जो मॉडरेट टाइप का डेंगू होता है इसमें हमें रिस्क जो लोग हैं उनका जरा सा ध्यान रखना चाहिए और जो तीसरे टाइप का डेंगू जिसे हम डेंगू हेमरेजिक फीवर बोलते हैं डेंगू हेमरेजिक फीवर में क्या होता है कि डेंगू के जो वायरस है वो हमारे शरीर के अंदर की प्रतिरोधक क्षमता को ज़रा कमज़ोर कर देता है उसके वजह से कैपिलरी लीकेज हो जाता है कैपिलरी लीकेज का मतलब जब इम्यून कॉम्प्लेक्स बनता है जो हमारा सेल्स होते हैं अंदर उनके साथ इम्यून कॉम्प्लेक्स बन के आ, फिर कैपिलरी में ये कुछ इम्यून कॉम्प्लेक्स क्या करता है कि कैपिलरी से लीकेज होने लगती है जी। और कैपिलरी से लीकेज होकर फ्लूड्स बाहर आने लगता है वहीं पर प्लेटलेट्स का भी जरा सा कम होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे ब्लड का रिसाव हमारे स्किन के बाहर आने लगता है तो इसको तो हमारे दर्शक इनका प्रश्न हेलो हेलो जी नमस्कार नाम बताइए अपना कहाँ से बोल रहे हैं आप मैं नाम है। जी और मैं ग्रेटर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ जी प्रश्न करिए अपना हाँ मैं ये कह रहा हूँ जी डॉक्टर साहब से पूछ मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहा हूँ जी सर आप टीवी की वॉल्यूम थोड़ा कम कर दीजिए अपनी जी 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 अपना प्रश्न पूछ सकते हो बंबई फरमान मेरा प्रश्न है डॉक्टर साहब से हेलो जी प्रश्न करिए अपना हम आपको सुन पा रहे हैं हाँ जी जी मेरे जो पानी की टंकी के होते छत में जी उनमें ढक्कन है सब में ढक्कन है क्या उसमें भी डेंगू का लवर हो सकते हैं जी 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 आपने अच्छा प्रश्न किया मैंने जैसे अभी बताया कि किसी भी कंटेनर में कोई भी बर्तन है जिसमें पानी इकट्ठा है उसमें कभी भी डेंगू का लार्वा उत्पन्न हो सकता है तो इसलिए हमें चाहिए कि जब भी किसी बर्तन में हम पानी रखें चाहे वो टंकी ही क्यों ना हो तो उसका टाइट से ढक्कन उसमें लगाएं जिससे कि उसमें मच्छर के लार्वा उत्पन्न न हो सके और टंकी को हमें बीच बीच में उस पानी को साफ भी करना होगा क्योंकि डेंगू का जो लार्वा होता है ये किसी भी स्थान पर आपको मिल जाएगा लेकिन जैसे ही इसको पानी दिखता है कहीं पर भी और कलेक्टेड वाटर दिखता है तो ये और ह्यूमिडिटी दूसरा ह्यूमिडिटी आर्द्रता कहीं पर भी दिखती है तो ऐसे जगहों पर ये डेंगू का जो लार्वा है बहुत जल्दी पनपता है तो इसलिए चाहिए कि टंकी को बार बार आप साफ़ करें और साफ करने के बाद जब पानी उसमें रहता है तो उसको पूरा ढक के रखें सर पे हमारा समय बहुत कम रह गया तो एक आप सेवन प्लस प्रोग्राम भी चला रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए सेवन प्लस प्रोग्राम हमने एम्स ऋषिकेश में अभी चलाया है हमारे एम्स ऋषिकेश के निदेशक प्रोफ, पद्मश्री प्रोफेसर रविकांत सर के नेतृत्व में हमने एक सेवन प्लस प्रोग्राम वहाँ पर बनाया जिसमें जिसका मेन जो उद्देश्य है वो ये है कि सात दिनों के अंदर हम लोगों को कैसे जागरूक कर सकते हैं इसके पहले चरण में दो दिन में हमने क्या किया आ, हमारा मानना है कि डेंगू एक सिर्फ एक डॉक्टर की ही जिम्मेदारी नहीं है डेंगू को अगर आप भगाना चाहते हैं इस पर कंट्रोल करना चाहते हैं तो इसमें हमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होगी जैसे डॉक्टर्स की तो है ही और नर्सेस दूसरा म्यूनिसपाल्टी के लोग स्वास्थ्य विभाग के लोग एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो तो इन सभी लोगों की हमने मिलकर एक टीम बनाई जिसमें हमने लोगों के घर घर जाके लोगों को जागरूक किया और जागरूक करने के साथ साथ हमने ऐसे एरिया को चिन्हित किया जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा में पानी रुका हुआ है लोगों से रिक्वेस्ट किया कि इस रुके हुए पानी को साफ करें और हमारे म्यूनिसपाल्टी के लोग भी हमारे उसमें थे क्योंकि उनका भी सहयोग था इसके साथ साथ हमने जिन लोगों को बुखार है घर के अंदर किसी भी घर में उनको हमने यह भी सलाह दी कि इस बुखार से घबराने की आवश्यकता नहीं है और उनको हमने ये भी बताया कि अगर बुखार इतने दिन पाँच दिन या छः दिन अगर आ रहा है उनको बहुत तेज बुखार है और सस्पेक्टेड डेंगू के लक्षण उसमें मिल रहे हैं तो वो एक मच्छरदानी उड़ें अभी हम देख रहे हैं कि लोगों को इसको हमने नाम दिया कि इंटेंसिव हम अवेयरनेस कैसे फैलाएं और एक्टिव सर्विलेंस हमने किया लोगों के अंदर तो काफ़ी अगर सभी टीम मिलकर एक साथ काम करें तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी संभव है और अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं कि अभी तक डेंगू के बहुत कम केस देखे गए हैं ऋषिकेश के अंदर जी सर तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का आपका।, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आशा है कि हमारी जनता हमारे दर्शक इसके लिए इससे लाभान्वित हुए होंगे तो दर्शकों आज हमने डेंगू के संबंध में यहाँ पे बातचीत की कोशिश यही की कि आपको अधिक से अधिक जानकारी हम यहाँ पर दे सके और डॉक्टर साहब ने यही बताया कि अगर डेंगू से बचना है तो आपको स्वयं इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी सिर्फ डॉक्टर की मदद से ही ये नहीं हो सकता कि डेंगू ना फैले आपको सफाई रखनी है और ध्यान यही देना है कि कहीं भी पानी इकट्ठा ना हो पाए क्योंकि डेंगू का लार्वा इकट्ठे पानी में ही पैदा होता है तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है आपकी सुरक्षा क्योंकि आपके हाथों में ही है तो दर्शकों को बता दो इस कार्यक्रम के संबंध में अगर आप कोई प्रश्न करना चाहते हैं या कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो आप हमारी एड्रेस नोट कर लीजिए हम जो है डी डी हेलो डॉक्टर एट द रेट जी मेल डॉट कॉम तो कोई भी सुझाव अगर आपका है तो हमारे को उसका इंतज़ार रहेगा नमस्कार